राम राम। मैं सारी बाणा ने उम्मीद करूं कि सारी बाण ठीक ठाक होंगी और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो कल की वीडियो तुमने देखी थी और भाई देखो ये तो मैं प्रूफ दिखा दूँ, कुछ ऐसे हेयर मैंने अपने करवाए हैं, नया लुक लिया है। लुक के बस कई दिन की मन में थी कि करवा लूँ तो मैंने करवा लिया। तो बहुत ही ज़रूरी बात, जो चैनल पर नया हो चैनल सब्सक्राइब कर लियो क्योंकि डेली का नया कंटेंट यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। तो भाई और बेल आइकन भी दबा लियो क्योंकि फर्स्ट जो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी वीडियो डालते ही। तो बेबे ये मन्नत अपने इब वीडियो गेरी नहीं थी, मैंने गेरी थी गुड्डी गुड्डी की जो मैंने उड़ाई बढ़ाई थी। तो तुम देख सको ये सिर्फ मैंने ऊपर ऊपर तक करवाए हैं यहाँ यहाँ के। तो काफ़ी मैं कॉलेज टाइम में थी जब भी मैं सोचा करती करवा लूँ करवा लूँ, तो मैंने टाइम ना लग गया था। तो ईब का अगर ना एक साथ हो जाता कुछ हो जाया करता है, साथ ही जो करो साथ था। कल भी कोई मन में न्यू नहीं थी कि मैं करवाऊंगी, नहीं बिल्कुल भी नहीं थी। हमारा उड़े जाके प्रोग्राम बन गया था क्योंकि गुड्डी ने स्मूथनिंग करवाई थी तो उसके हेयर स्पा रह रहा था, तो हेयर स्पा लेने गए थे। तो फिर वो उड़े बैठे बैठे प्रोग्राम सा हमारा उड़े बन गया। तो हम दोनों ने ये मतलब ब्राउन लुक लिया थोड़ा सा बाड़ा का, साथ में ये परमानेंट कलर करवा लिया। तो वे करवा लिया तो तुम कमेंट करके नहीं बताइए किसे लग गए। तो ठीक है। और वे कल ना के मना कार्ड रखे हैं आज, क्यों कार्ड कल भी रहा ना गर्मी गणी थी, अक मन्ने गणी लग गई थी, वे मेरे चुभ गए थे कन्ना के, तो इस बारे मैंने निकाल कर रख दिए। मगर दूसरे पैरूंगी वह दूसरे निकाल कर डालू। तो उस पर कई बाणा के नेगेटिव कमेंट आए वीडियो पे कि इन गोबर दा तो फुर्सत मिलती ना या फैशन कराया। एक बात बता, घर के काम सब कह है, गोबर भी है कूड़ा भी है, चलो हालांकि जो भैंस ना रखते रोटी सब्जी बर्तन झाड़ू पोछा एक आदि का घर में झाड़ू पोछा आ जाती होगी, नहीं तो तकरीबन लेडीज ने सोचा है भाई यारी बीमारी है तो बच्चे रहेंगे अपने घर का काम करते रहेंगे, तो वह भी करती रहे तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर एक बात बताओ, अगर गोबर कूड़े का काम करे है जो भैंसा का काम करे, वो अपनी इच्छा है ना खत्म कर दे कटा, कुछ अपनी जिंदगी जीवे ही नहीं। ये भी एक बात बताओ, इसका मतलब तो सूट भी ना पहरे फिर जो गोबर कूड़े का करे है। ये हम गम में खूब लुगाई है ना देखा है कि भाई जब गोबर गिरण का टाइम आओ, गोबर गिरण के टाइम पे सूट बदल के जाओ ना दो के कि भाई गोबर गिर का ना बाहर जाना, सारे दिन घर में तो वह भी नहीं हुआ अपना आड़ कस में पड़ी रहा है, जो कपड़े बुंडे सुंडे अपने जिसे भी मतलब नॉर्मल घर के पहरे रहे हैं, टी शर्ट भी पहरे रहे बतेरी और बतेरी पे वैसी है सलवार के ऊपर टी शर्ट पहरे रहे हैं, खूब पहरे हैं ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जिस टाइम मैं गोबर गिरण जाऊँ ना वो पूरे डाला पूरा अपना मेकअप वेकअप करके पूरा वेली बस्ते की बिंदी शाही शुई गाल के और पूरे मतलब बाल वाला मैं जो डिजाइन उन गालना है वो गाल गुल के जब गिरण जा है। तो ये एक बात बता, जिस कपड़े में वह घर में रहता है फिर वह गोबर भी गिर कस के है, क्यों ना वो धोया करो तुम भी नहीं बताओ, फिर तुम टाण मारो नाण धोण की, तुम भी नहीं पटकाया करो गोबर तो गिर खाना है, जब सब ने बेरा तुमने गोबर गिर खाना। हाँ अरे एक ठीक है इस बात पर तो जो भी तुमने कही, हाँ बेबे एक ना बेबे ने कमेंट करा था कि मोना बेबे तो इसने समझा इसने गिरना गोबर है, क्यों समझाऊ बेबे इच्छा सब क्यों है, कल तेरी कोई इच्छा हो इसी और मैं किसे तेरे घर के मेंबर ने कोई इसने समझाओ या किस राह चल रही है, तो कोई गलत राह चल रहा है जब मानस ने कहो कि बेबे इसने समझा बेबे वह कमावे है अपने पर लावेगी और की तो गलत जगह वाला नहीं रही, अपने बच्चे का फ्यूचर भी देख रही है, अपने घर का भी देख रही है भाई हमने के करना है आगे, अपनी हर चीज ने देख के एक लुगाई चल रहे हैं। जिसकी शादी ना 10 साल हो गए एक बात सोचने की, तो वह अपने परिवार के बारे में अपने बच्चे के बारे में अपने घर के बारे में नहीं सोचेगी, सब कुछ सोचेगी और जब आगे चल रहे हैं लुगाई ठीक है। अच्छा फिर मैंने एक हाउस क्लीनिंग की वीडियो डाली थी, उस पर मैंने थंबनेल्स भी लगाया लगाया भाई लगाया ठीक है। एक बार बताओ तुम, फिर मेरे पे उस पर वीडियो पर कमेंट आए आपको शोभा नहीं देता ये, तुम तो ये नहीं कर सकती थी यार, ये तो गुड्डी के ही अच्छा लग गया था, ये उसका दूसरा चैनल ऐसा था, मोना तुझ पे ये शोभा नहीं दे रहा है, इस थंबनेल्स को हटा दे। काफ़ी फ़ोन भी आए काफ़ी मैसेज भी आए, मैसेज पड़े हैं हालांकि दिखाऊंगी नहीं क्योंकि भाई किसी को हटो अच्छा नहीं लगता, और काफ़ी ओके कमेंट भी आए। और एक भाई बेन तो मेरे तक फ़ोन पे नहीं कह दी थी तुमने, मैं बताऊँ हम लोग ये काम तो कर ही नहीं सकते जो ये कर सकती है। बेबे
टाइटल तू चोरी करके लिख ला करी उसके, थमलेस से ही तू चोरी करे उसके, फिर भी तू यह बात किस वेस पे कहेगी? मेरे यह बात समझ में नहीं आती, रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे, तो रह तू कहते वायरल भी कर दूंगी। और ना अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना, क्योंकि इज्जतदार परिवार तो है सब, वह कोई उसे परिवार तक हो नहीं आके बीवा नु अंडा है, सबका इज्जत है, सबका फैमिली है, सबका परिवार है, सबकी मतलब एक एक गांव में जो है रेपुटेशन वाह है किसी की। एक तो तकरीबन इंस्टा पर तो सब की नाच है, किसकी ना नाचती। तो मेरा वो टाइटल वो थंबनेल वीडियो, हालांकि मेरी शॉर्ट सी थी, छोटी सी, उसमें सिर्फ यही चीज दिखाने के लिए। इब तो मैं एक बात बताऊं, चार पांच मर्द मानस खड़े है किसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं, लोग इन्हें गियर में धार का डनी यार, अगले क्या घर के मेम्बर के साथ दौरा हुआ खड़े हुए हैं, तो वह अपने कपड़े नहीं संगवाओगी? एक बात बताइए, वह गोबर में टकलन देगी सूट में, वह संगवा का यार धार का डंड बैठेगी, तो उन्हें कुछ नहीं दिखा फिर वो कपड़े में, क्या मैं दिख गया उसका कि मैं नहीं दिखता? और ये तो वीडियो ही में कोई खा थोड़ी ना जागा। दूसरी बात है बेबे थारी सोच सलाम है, अच्छा बढ़िया सोचो, मन्ने जानबूझ के गेरी थी वो पोचे की वीडियो, तुमने बता दू कुछ लोगों की आंख खोलन थी, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे मेरे से कॉल पे बात करते हुए कहा था तुम तो ये कभी कर ही नहीं सकती, ये तो ऐसा ऐसा करती थी। भाई मुझे एक बात तुमने बता दूं, छिपकली दीवार से नीचे आ गई है और मुझे डर लग रहा है, मना नहीं मेरा किंगन जागी जाएगी, जो बेड पागी पूरे नागी तनु सोच लो मैं तो खड़ी हो जाएंगी, मन लग गया करे डर, तो बाहर जा बाहर लिकड़गी बेबे लिकड़गी मरी में कुछ मिल लिया कौन होगा खानना डर। तो रही दूसरी बात, कई मारिए उसकी एरिए की कमे है कि इसने कपड़े ना पहनने आवे थे, इसने तो लत्ते पहन का भी सूट पहन का भी सूर ना था, मोना ने शकाया इसने सूट पहनना भी। एक बात बताओ, नुगागरा सूर रपिया रपिया नुगागरा देसी घी समारे साग अरबू का नाम हो। मम्मी हाँ बेटा, तो कह अगर नाम बहु खाओ बीच में रे आ गई थी, इस मारे मैंने स्ट्रोक करनी पड़ी बीच में पड़े। और बेबे रपिया तबे रहने क्या ना सवार दे, जिसने सूरे 75 रुपये पहन मतलब एक आधे लुगाई नसूर है बेबे, रपिया नहीं है बेसूरी है कत्ती, सही बता दू क्योंकि टोटे मत आदमी बेसूरा रहा, अगर 75 रुपये का भी सूट पहनना पड़ जाए मजबूरी हो, अगर 75,000 का भी पहनना पड़ जाए जब रुपया आ जाए अगर, तुमने मैं बता दूँ या चीज़। और मैंने कहने की जरूरत को ना भाई सब नॉलेज इस चीज़ की, सब ने बताया कि एक टाइम ऐसा था, तुमने मैं बताऊँ कि सपना चौधरी नॉर्मल स्टेजा बना चाह करती और उसकी माँ गेला रहा करती, सब ने भी रहा है, लेकिन उस टाइम उसके पास पैसा नहीं था, वह गरीब थी, सब ने भी रहा इस चीज़ का, लेकिन जैसे जैसे उसकी पॉपुलरिटी बढ़ती गई उसके पास पैसा आता गया, ये वाह सपना है पानी ना पापा कब है, और सब कहेंगे यार पिया होगा तो कया भी जाओगा, ठीक है, तो तुम उसे कैसे जज कर सकते हो जिसे तुम जानते ही नहीं हो कि इसने गोबर में रहना है, तू समझा बेबी मैं कौन हूँ समझाने वाली, नो बताओ। और मन ने कि उस तक कपड़े पहन का सूर दे दिया, सूर तो रपिया दे है बेबे, जिस तौर रपिया तो अपने आप सूर आ जाया करे, ठीक है, और अच्छी ऐसा नहीं है, बहुत ही अच्छी चॉइस है उसकी, बहुत ही अच्छी गुड्डे की, तुमने बता दू बहुत अच्छी चॉइस है, कपड़े के मामले में भी सामान के मामले में भी, मैं तो साथ रहती हूँ मुझे सब पता है। तो मेरी वीडियो पर जब मेरे के अलग गुड्डे होना तो नेगेटिव कमेंट मत करा करो, सीधी सी बात यह है कि या तो मतलब वो करती है, कल तुमने भी कहोगी इसमें घमंड आ गया या तो घमंडी है, तब मैं कह दूंगी यह बात मन बेरा है, इतनी तो तुमने को ना इसमें कुछ नहीं ऐसा, तब मैं थोड़े दिन बाद इनको गुड्डी घमंडी है। और यह बात भी मेरे मुंह पर तुमने बोली है कि कपड़े पहन का सूर को नन्नू को नन्नू को ना था तन्ने दे दिया, मन ने क्यों दे दिया बेबी,
मेरी पहली वीडियो में देखियो तुम, जब यह एक सूट लेकर आई थी मेरे पास सिलने के लिए, और वो बहुत ही प्यारा सूट था, हैंडवर्क का फुल। मैं तो पहली बार मिल रही थी उस टाइम पे, फिर वो सूर एक दिन में दे दिया। सोच होती है अपनी, सबको सूर है, सबकी गल्ला है, दिमाग है, सब दो रोटी खावे है, और सब मैं सोचन सकती है कि भाई ये काम कैसे होगा, ये क्या चीज़ होगी। तो इस मारे ऐसे कमेंट मत करा करो, अच्छा नहीं लगता भाई। और मेरे को भी कल काफ़ी फील हुआ कि गोबर में रहना, तो गोबर में रहना तो अपनी इच्छा ही मार कर नहीं रहेगा कोई भी। अगर ये दो हाथ भगवान ने दिया, तुमने इनका यूज नहीं करा, तुम गरीब घर में पैदा हुए हो, ये तुम्हारी मजबूरी है। लेकिन तुम गरीब मर रहे हो, ये तुम्हारी मजबूरी नहीं है, फिर तुम जानबूझ के मर रहे हो। चलो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि 11-12 मिनट की वीडियो हो गई है, तो इससे बढ़िया बेबे माफ कर दो। माफ कर दो बेबे, गलती हो गई हमने, उस बेचारी ने, बेचारी हवा, तुमने काम ऐसा कर दिया कि नया लुक ले लिया, बाल करो लिए, स्ट्रेट कराए, जब भी दिक्कत हुई ये कलर कला लिया, जब भी दिक्कत हुई। ओ माय गॉड, क्यों सोचो इतना, अपने काम धंधा पर ध्यान दे लो, इतना मत सोचा करो। ठीक है, सोचने वाले हम अपने बारे में खुद हैं, हम बैठे हैं, तब हमने सिर्फ गाइड करा करो तुम्हें, ऐसी वीडियो बनो बनानी चाहिए। तुमने ना बताओ इसी वीडियो बना ले बेबे, तुमने बड़ी बनाओ गोबर में रहना तो समझा दे। कुछ भी। तो एक कमेंट करके बता दो वीडियो किसी लग गई, और कल बढ़िया व्लॉग आओगा, बैठी मजे की बाट में कितना सामान सामून लेट जाओगे, थोड़ा सा शॉपिंग कर आवाँगे। ठीक है, और केक के लेकर आऊंगी वीडियो में, कल लगी मैं दिखाऊंगी। अरे एक बार और फूक दू जो जड़ा है, देखो जड़ा ना लो, थोड़ा सा गोबर खा लो। तो मैंने तो ये न्यू रखने पड़ेंगे बेबी, नहीं जब दिखे ये सब ने। ओह माय गॉड। तो वीडियो को एंड करो बे, टाटा।